नेक्स्ट टॉपिक है नमोनिया, विच इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. नमोनिया इज अ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स. ये लंग्स की इन्फेक्शन होती है जिसमें एक या दोनों लंग्स इन्फेक्ट हो सकते हैं. अगर एक लंग इन्फेक्टेड है तो उसका नमोनिया, अगर दोनों है तो उसको डबल नमोनिया कहा जाता है. डबल नमोनिया मीन्स द इन्फेक्शन ऑफ बोथ लंग्स. अगर दोनों लंग्स मुतासर हो गए हैं तो इसको डबल नमोनिया कहा जाता है. इसमें होता क्या है, जो इसके पहले इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पढ़ लेते हैं, उसके बाद कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो वो ऑर्गेनिज्म ये जो नमूने कॉज करते हैं, पैदा करते हैं, उनमें पहला है बैक्टीरिया, इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया. एक बैक्टीरिया है जो नमूने पैदा कर सकता है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया. ये वायरस से भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये फंगस से भी हो सकता है. जब ये ऑर्गेनिज्म हमारे लंग्स में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन शुरू कर देते हैं, और जो एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलाई और ब्रोंकियल ट्यूब्स, इनके अंदर पस पैदा करते हैं और म्यूकस की सिक्रीशन शुरू ज़्यादा कर देते हैं, पस पैदा करते हैं और जो म्यूकस है उसकी प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं. द लंग्स एंड द एल्वियोलाई आर फिल्ड विद म्यूकस एंड पस. ये कंडीशन नमूने कहलाती है. इस हालत में टाइटनेस इन चेस्ट, सीने में टाइटनेस फील होती है. दूसरे सिम्टम इसके ये पता ही चला चलता है, कोल्ड होते हैं, जुकाम हो जाता है, जुकाम हो जाता है. उसके बाद फीवर विद शिवरिंग चिल्स, बुखार हो जाता है और शरीर किस्म की सर्दी लगती है, जिस्म कांपता है. शिवरिंग विद चिल्स प्रोडक्टिव कफ, खांसी आती है, उसके साथ बलगम स्पूटम आता है, फ्लेम भी आता है साथ. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसकी सांस रुकती है, जल्दी थकता है, बोलती हुई या चलती हुई या कोई काम करती हुई. और उसकी स्किन जो होती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से पर्पलिश हो या डस्की हो जाती है. बिकॉज ऑफ द पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ द बॉडी द स्किन कलर चेंज इनटू पर्पलिश. उसकी जो स्किन होती है वो पर्पल कलर की हो जाती है या डस्की कलर, हल्की कलर की हो जाती है. उसकी वजह यह होती है कि ऑक्सीजन की जिस्म को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती. बिकॉज ऑफ द फुलनेस ऑफ द एल्वियोलाई एंड अदर ब्रोंकियल ट्यूब्स. ब्रोंकियल ट्यूब्स और जो एल्वियोलाई होते हैं वो पस और म्यूकस से भर गए होते हैं, उनमें ऑक्सीजन की मिकदार एब्जॉर्प्शन की कम हो जाती है, कैपेसिटी कम हो जाती है, जिस्म को कम ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स हैं वो नजर आती है. और तो इसका इलाज आसान सा है, मुश्किल नहीं है. अगर ये बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से, तो इसके लिए एंटीबायोटिक यूज होती है. एंटीबायोटिक उन आवेदन को किल करने के लिए और फीवर रिलीविंग साथ मेडिसिन भी होती हैं. और अगर ये वायरस की वजह से है तो इसके लिए एंटीवायरल और फीवर रिलीविंग और बाकी जो सिम्टम्स उनको सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए बाहर की मेडिसिन साथ दी जाती है. तो ये कुछ हम इधर पढ़ लिया सारे टॉपिक्स थे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के. तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के सिलसिले का नेक्स्ट टॉपिक है एस्थमा. एस्थमा भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है और ये एलर्जिक कंडीशन होती है. अचानक ही सांस लेने में दुश्वारी फील हो होना शुरू हो जाती है और उस पर्सन को जो पेशेंट है उसको वो स्प्रे जो हर वक्त पास रखता है ब्रोंकोडायलेटर वो इस्तेमाल यूज़ करनी होती है. उसके ज़रिए ही उसकी जो तबीयत है वो डिस्टर्ब हो जाती है. ये एक एलर्जिक कंडीशन होती है और मुख्तलिफ किस्म के एलर्जी पैदा करने वाले जो एजेंट है एलर्जेंस है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उस पर्सन में ये कंडीशन लाने के लिए. द एलर्जेंस लाइक स्मोक ठीक है, डस्ट, परफ्यूम्स, पोलन एक्सेट्रा, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर causing a temporary condition of allergy if the person or the patient feels very difficulty while breathing. वजह यह होती है कि नॉर्मल जो एयरवेज होती है, हवा के जो रास्ते होते हैं, वो वाइड इनफ होते हैं फॉर प्रॉपर ब्रीथिंग. दे आर वाइड इनफ, द पर्सन कैन फील
इजली ब्रीथिंग, लेकिन इन हार्टिंग कंडीशंस में अगर किसी के ऊपर अस्थमा है तो ये जो एयरवेज है दे बिकम नैरोअर, वो तंग हो जाते हैं, स्वेल हो जाते, तंग हो जाते हैं, ये टेम्परेरी कंडीशन और अचानक ही हो जाती है। ये जो एयरवेज होते हैं, हवा के रास्ते होते हैं नार्मल, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, एंड द पर्सन फील्स सीवियर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। वो पर्सन जो होता है तंग रास्तों में से जब सांस लेता है, तंग रास्ते वो कौन से रास्ते, वो जो एयरवेज है, ब्रोंकस है, ब्रोंकियोल्स है, एल्यूलर डक्ट्स है, वो उन तंग रास्तों में से जब सांस लेने की कोशिश करें तो उसे बहुत शदीद किस्म की डिफिकल्टी फील होती है और बहुत मुश्किल से वो सांस लेता है। जब सांस लेता है तो ज़ोर से सांस लेता है और सीने से उसकी आवाज़ भी निकलती हुई हमें सुनाई देती है। ये इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। सडन डिफिकल्टी इन ब्रेथ, सांस में जब भी कंडीशन उसको मिलती है, स्मोक या डस्ट, बिकॉज इसके जो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों से ये हालत हो सकती है। तो सडन डिफिकल्टी इन ब्रीथ, ये सांस लेने में उसको अचानक दुश्वारी फील होना शुरू हो जाती है और सीने में सांस निकालने लेने के दौरान उससे सीने में आवाज़ भी आती है और फौरी तौर पर वो जो ये पेशेंट होते हैं अपने पास ब्रोंको डायलेटर रखते हैं। ब्रोंको डायलेटर यानी वो एजेंट्स जो ब्रोंकियल ट्यूब्स को डायलेट करते हैं, फैलाते हैं, इमरजेंसी हालत में वो ट्यूब्स फैल जाती हैं और पर्सन जो है वो आसानी से सांस ले सकता है। इसका कोई रेगुलर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, देयर इज नो रेगुलर ट्रीटमेंट रेमेडी फॉर दिस डिसऑर्डर। हाउएवर द सिम्टम्स आर ट्रीटेड, ठीक है, सिम्टम्स ट्रीट हो सकते हैं और इसके लिए कोई रेगुलर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं, देयर इज नो परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज। जबकि ब्रोंकोडायलेटर्स यूज हो सकते हैं, हम यूज़ किए जाते हैं और ये वो केमिकल्स होते हैं जो ब्रोंकियल ट्यूब्स को डायलेट करते फैलाते हैं ताकि इमरजेंसी हालत में इस हालत में आसानी के साथ सांस ले सकें। तो ये दो तीन टॉपिक्स थे आसान से थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सब की आपको समझ आ गई होगी और अगर समझ आ गई है तो औरों को बताइए कि मेरा चैनल देखिए और ये वीडियोस देखिए, और अगर समझ नहीं आई तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मुझे स्पेसिफिक कीजिए कि कहाँ पे किस चीज़ की समझ नहीं आई तो ज़रूर बताऊँगा दोबारा इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन दबाना तो हरगिज़ नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।